एक बड़ी खबर आ रही है, आपको जल्दी से दे दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा, अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ये तस्वीरें देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है, तो ये सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद बताइए, और क्या जानकारी मिल रही है, कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले का ये मामला है। सभी लोग डॉक्टर कि हम मीडिया पर्सन बाइट कर रहे थे क्योंकि मेडिकल हेल्थ चेकअप हुआ था, लेकिन अचानक से देखते हैं जहां कपिल जो है अनशन पर बैठे थे वहां पर अचानक से एक शख्स को लोगों ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि उसने कपिल के गले पर, एक शख्स आता है और कपिल मिश्रा पर हमला करता है। फिलहाल उसको यहां से पुलिस ले जा रही है, जो कपिल मिश्रा के साथ जो उनके साथी थे उन्होंने उसके साथ कुछ मारपीट भी की। अंकित भारद्वाज जिसका नाम बताया जा रहा है, इसने हमने पूछा कि क्यों इन्होंने हमला किया, तो इनका कहना था कि कपिल मिश्रा ने पार्टी विरोधी काम किया, लिहाजा हमला इन्होंने इस वजह से किया। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही कपिल मिश्रा का हेल्थ चेकअप हुआ था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से पुलिस जो है इसको यहाँ से ले जा रही है। ये आदमी खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बता रहा है। जब इससे पूछा कि क्यों हमला किया, तो इसने कहा कि ये पार्टी विरोधी काम कर रहा था। आप देख सकते हैं पुलिस फिलहाल यहाँ से इसको निकाल रही है। तो ये कह रहे हैं कि पार्टी को धोखा दिया, इस वजह से हमला यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल पुलिस यहाँ से इस शख्स को ले गई, कपिल जो है हमला किया, फिलहाल पुलिस ले गई। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आती है, क्या कपिल मिश्रा की तरफ से। जावेद मंजूरी, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो भूख हड़ताल पर बैठे, आपको बता दें दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा पर यह हमला हुआ है। वो सुबह से ही भूख हड़ताल पर मौजूद हैं और जिस शख्स ने उस पर उन पर हमला किया है उसे पकड़ लिया गया है। वो खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बता रहा है। एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया, कपिल पे हमला कर दिया, हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ूं। कपिल लेकिन कहा जा रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। ठीक, लाइव है क्या? तो कपिल मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन पर हमला करने की कोशिश हुई भूख हड़ताल के दौरान, दरअसल थप्पड़ मारने की कोशिश हुई है। अंकित भार्गव बताया जा रहा है उस शख्स का नाम। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ठीक वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। जावेद, इस शख्स के बारे में पता लग पाया, ये कौन है और क्यों इसने कपिल मिश्रा पर हमला करने की कोशिश की? देखिए, बिल्कुल ये शुरुआती दौर में है मामला। फिलहाल उस शख्स को पुलिस पकड़ कर ले गई है, लेकिन तब जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसने खुद का नाम अंकित भारद्वाज बताया और खुद को दावा कर रहा था कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और वो कपिल मिश्रा के पार्टी विरोधी गतिविधियों से वो नाराज था। फिलहाल अभी ये ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कौन है और इसके अलावा क्या क्या उसके मकसद हैं कपिल मिश्रा पर जो उसने हमला करने की कोशिश की, इस बात की जानकारी आना अभी बाकी है। जावेद, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि ये कब का वाकया है? कपिल मिश्रा क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपने सवालों के जवाब को लेकर के, तो किस तरह से ये शख्स कपिल मिश्रा के नजदीक पहुंचने में सफल हो पाया? देखिए, जहां कपिल मिश्रा भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो जो उनका सरकारी आवास है वहीं पर उसके मेरा अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आया हूं, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। पार्टी दो भाई, आम आदमी पार्टी का हूं मैं। आम आदमी पार्टी दो, संजय सिंह भेजा इसको। कपिल, क्या हुआ तो एकदम से अचानक हमला किस तरीके से किया? एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया, कपिल पे हमला कर दिया, हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ूं। कपिल लेकिन कहा जा रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। ठीक, लाइव है क्या? अंकित भारद्वाज नाम का ये शख्स, दिल्ली में कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है, थप्पड़ मारने की इसने कोशिश की और इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभी से वहां से ले जाया गया है। अंकित भार्गव नाम का ये शख्स बोल रहा है कि ये आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। एबीपी न्यूज संवाददाता
जावेद मंसूरी लगातार हमारे साथ बने हुए। जावेद, अंकित भारद्वाज ये शख्स जो खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है, और क्या जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है? क्योंकि जब इसे पुलिस वहां से ले जा रही थी तो इसने मीडिया से कहा ये कार्यकर्ता है लेकिन इसे किसी ने भेजा नहीं है। जी बिल्कुल, लगातार यही हमने भी सवाल किया कि तुम्हें किसने भेजा है, तो उसने कहा कि किसी ने नहीं भेजा। वो कपिल मिश्रा जो लगातार ये पूरा विवाद चल रहा है उससे नाराज था, लिहाजा उसने हमला किया। अभी इसकी इस शख्स की क्या डिटेल्स है ये आना बाकी है। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है, पुलिस की तरफ से ज्यादा जानकारी और आएगी जब इस शख्स से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसका मकसद क्या था कपिल मिश्रा के, जहां वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहां तक पहुंच चुका और ये कैसे पहुंचा, इन तमाम चीजों की जानकारी अभी आना बाकी है। जी जावेद, एक चीज और बताइए, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं हरे रंग की टी शर्ट में जो शख्स है अंकित भारद्वाज, जो खुद को बता रहा है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको कई लोग पकड़ करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग कपिल मिश्रा के साथ के लोग हैं? ये बिल्कुल, जैसे ही उसने कपिल मिश्रा पर अटैक करने की कोशिश की, गर्दन तक हाथ चलाया, लिहाजा जो वहां पर कपिल मिश्रा के जो साथ में लोग बैठे थे तभी उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मारपीट करने की भी कोशिश की और कुछ लोग बचा भी रहे थे इसको ना मारा जाए, और तभी पुलिस वहां पर मौजूद थी। जो डॉक्टर वहां पर चेकअप के लिए आए थे उनके साथ पुलिस आई थी, तो पुलिस वहां पर थी तभी उस शख्स को लगातार आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि उसको बचाने की छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी कि उसको ज्यादा जो जहां पर लोग मौजूद हैं उसे ना पीटे। फिलहाल पुलिस उसे लोगों के बीच से निकालने में सफल रही और उसको थाने ले गई है। जी जावेद, हमने सुना कपिल मिश्रा को इस हमले के बाद उन्होंने कहा कि उन पर कोई भी हमला करे लेकिन उनके जो साथी हैं वो किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। हालांकि जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है ये उन्हें कहा गया तो वो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने उस पर। बिल्कुल, ये उनसे सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि लगातार ये कहते भी रहे थे पहले भी कि इनको धमकियां लगातार मिल रही है जब से इन्होंने जो बिगुल फूका है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो ये लगातार विवाद चलता रहा है। इन्होंने कहा भी था कि उन पर हमला हो सकता है, धमकियां भी उनको लगातार मिल रही है, तो ये उसी का एक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि ये वाकई चौंकाने वाला है कि भूख हड़ताल की जगह पर एक शख्स ऐसा पहुंच जाता है कि वो कपिल मिश्रा तक पर हमला कर देता है। जी जी जावेद, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बताइए, कपिल मिश्रा पर ये हमला, ये वाकया कब हुआ, और हरे रंग की टी शर्ट में हम जिस शख्स को दिखा रहे हैं जिसे हिरासत में लिया गया है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब से करीब 15-20 मिनट पहले का ये वाकया है। डॉक्टर कपिल मिश्रा के चेकअप के लिए आए हुए थे, हम लोग भी डॉक्टर का वेट कर रहे थे कि आखिर कपिल मिश्रा की हालत कैसी है। हम डॉक्टर साहब से बात ही कर रहे थे तभी अचानक से देखा कि कपिल मिश्रा जहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहां पर धक्का मुक्की अचानक होने लगती है। पता चलता है कि इस शख्स ने कपिल मिश्रा पर हमला करने की कोशिश की। जब उस शख्स से बात की गई तो उसने कपिल अंकित भारद्वाज नाम खुद का बताया, उसने कहा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। उससे पूछा गया कि आखिर उसने हमला क्यों किया, तो उसने कहा कि कपिल मिश्रा जो है वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस बात से वो नाराज था। उससे अगला सवाल किया गया कि आखिर किसी ने भेजा है, तो उसने इस बात से इनकार किया। तभी जो कपिल मिश्रा के यहाँ पर साथी थे उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया, पीटने की भी कुछ लोगों ने कोशिश की गई, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी। पुलिस और जो कपिल मिश्रा के साथी थे उनमें लगातार धक्कामुक्की भी हुई उस शख्स को हटाने के लिए, और फिलहाल पुलिस उस शख्स को निकालने में कामयाब रही है, उसे थाने। जावेद, आप बने रहिए हमारे साथ, दो तस्वीरें आपके सामने, कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है और हिरासत में है वो आरोपी जो खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है। बीजेपी से संबित पात्रा जी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। संबित, क्या हो रहा है यहाँ आम आदमी पार्टी में? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का पुराना चरित्र है। याद करिए, जब भी अरविंद केजरीवाल कहीं भी जाते थे उनको थप्पड़, इंक, इसी प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी की होती है, और आज दूसरों के साथ भी वो यही कर रहे हैं। इसकी निंदा होनी चाहिए, हिंसा के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है। आप अपने करप्शन के चार्जेस पे से अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2 करोड़ रुपये के घूस लेने का चार्ज लगा, 10 करोड़ रुपये उन्होंने अपने परिवार वालों को फ़ायदा पहुँचाया, हज़ारों रुपये की ज़मीन खरीदी गई सत्येंद्र जैन के माध्यम से, इन सब चीज़ों से ध्यान भटाने के लिए वो ईवीएम के पीछे छुपे थे और आज वो हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी वो जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहा है कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है पर किसी ने उसे भेजा नहीं है, पर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लगता है ये आम आदमी पार्टी द्वारा ही कराया गया हमला कपिल मिश्रा पर? नहीं, देखिए, हम तो इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मैं तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए यही कहूंगा, क्योंकि पुलिस पकड़ के लेकर गई है, पुलिस को सब कुछ मालूम पड़ेगा। मगर आम आदमी पार्टी में देखिए, जो पार्टी हिंदुस्तान की राजधानी पर राज कर रही है उसमें एक ठहराव होना चाहिए। आपसे, आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर आप इतने पैसे का गबन कर रहे हैं, आप इस पर जवाब दीजिए। कपिल मिश्रा ने जो एलिगेशन लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए, वो आपके कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, वो कोई साधारण केवल विधायक नहीं है, तो उस पर जवाब देने के बदले जिस प्रकार की राजनीति आज दिल्ली देख रही है
इसका अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो दिल्ली की जनता को हो रहा है। कपिल मिश्रा पर ये जो हमला हुआ है, कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? एक ऐसी पार्टी जिसको दिल्ली पर शासन करना चाहिए, अब बात इस तरह से आ गई है कि एक पूर्व जल मंत्री पर हमला हो रहा है। पहली बात तो उनकी आत्मा को सही लगेगा, वो करेंगे। वो खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था, कपिल जी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा था। आपको क्या लगता है कि आपकी साजिश आम आदमी पार्टी की? नहीं नहीं, पार्टी की या लोगों की साजिश नहीं होती, एक या दो व्यक्ति परेशान होते हैं, उन्होंने कुछ कौन था वो शख्स? मैंने उन्हें जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वो कह रहे कि पार्टी का कपिल कितना, एक साथ बता दूं सबको, एक साथ नहीं, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, मैं खुले में बैठा हूँ, कोई भी आ सकता है, आप भी देख रहे हैं, आने जाने में किसी की कोई रोक टोक नहीं है, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए और अचानक कूदे मेरे ऊपर, उनका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन तभी बाकी साथियों ने उनको रोक लिया, उनको दूर लेकर चले गए। वो ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार मुझसे बोल रहे थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें तो होंगी, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरे साथियों ने हिंसा की, मेरे साथियों ने रिटेलिएट किया, तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, फिर मैं पानी पीना भी बंद कर दूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता। जो जानकारियां मैंने मांगी हैं, वो बाहर आने से कुछ लोगों का नुकसान होना निश्चित है, कुछ लोग इस बात से गुस्से में भी हैं, तो मैं इस बारे में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने हो सकता है कार्यकर्ता हूँ, हो सकता है ना हो, मेरी जानकारी में नहीं है। उसने मेरी गर्दन पे नहीं नहीं, वो तो गाड़ी के अंदर बहुत भीड़ थी, माइक वगैरह आ रहे थे उनके निशान। धमकी भी पहले से मिली, पहले से आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर, पहले आपको धमकी भी मिली? नहीं, मैंने कोई सुरक्षा मांगी नहीं है, मुझे कोई सुरक्षा चाहिए नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। कुछ पुलिस वाले जरूर गेट के पास आकर खड़े हुए थे, जो इनको पकड़ के ले गए हैं। नहीं, कोई चोट नहीं लगी है, ईश्वर साथ है। पहले धमकी दी गई और उसके बाद इस तरह का हमला हुआ आपके? मेरे को रात को कल गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये सब चीज चलती रहती है, मेरे को लगता नहीं है कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने भेजा है? नहीं, मैं इस प्रकार से क्यों किसी का नाम लूं और क्यों किसी का उंगली उठाऊं? आप जिक्र कर रहे थे, क्या ये वही 4-5 लोग हैं जिन्होंने आप पर हमला कराया होगा? मेरे को कुछ नहीं कहना है, मेरे को ये लगता है कि नहीं, मैं सिक्योरिटी की कोई मांग नहीं करूँ, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आपके ऊपर खतरा है? क्योंकि भगवान साथ है, सत्य की ताकत। कह रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है और ये यहाँ पर लेटे हुए थे, अचानक उस शख्स ने हमला यहाँ पर इनके ऊपर कर दिया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया है। किसी भी तरह से आरोप लगाने से बच रहे हैं कि किसी की साजिश हो सकती है, इतना जरूर कहा कि इनको धमकियाँ जरूर यहाँ पर मिल रही थी। और भी हम लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर कपिल मिश्रा के साथ में थे, यहाँ के आखिर हुआ क्या था, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ पर थे उस वक्त, उस टाइम में क्या हुआ था ये बताइए, और कैसे आप लोगों ने वो आए अचानक इनके ऊपर अटैक कर दिए? हाँ। और फिर वो चाहे हम इनको बोलना था उनका जो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जिसमें हाँ। मेरा हाथ भी यहाँ पे चोट लगा थोड़ा सा, हाँ, उन्होंने इस पे कूद गया और इनको फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको बाहर ले गए और उन्होंने कुछ भी उनसे बदसलूकी नहीं किए। और क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था, किस वजह से उसने हमला किया? वो बोले जो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जी, तो ये वो शख्स है जो यहाँ पर बैठे हुए थे कपिल मिश्रा के साथ में। इन्होंने पूरा वाकया बताया कि किस तरह से उस शख्स ने आकर हमला किया, वो उस वक्त क्या बातें कर रहा था। तो ये यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से कपिल मिश्रा के ऊपर हमला हुआ। आज कपिल मिश्रा जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसका पहला दिन है, सुबह करीब 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अभी पहला चेकअप डॉक्टर करने आए थे। डॉक्टर ने जैसे ही चेकअप किया, तमाम लोग हम डॉक्टर से बात कर रहे थे कि आखिर किस तरह अभी जो इनकी हेल्थ है उसमें किस तरह क्या हालत है। तभी अचानक से एक शख्स आता है और कपिल मिश्रा पर हमला करने की उसने
में उसने कोशिश की। फिलहाल कपिल मिश्रा भी यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चोट इनको नहीं लगी है। उस शख्स के को पकड़ने की लोगों ने कोशिश की, कुछ ने हाथापाई की भी कोशिश की और कपिल मिश्रा ने कहा कि जो उनके साथियों ने अगर रिटेलिएट करने की कोशिश की है तो ये भी गलत है। हालांकि कपिल मिश्रा खुद कह रहे हैं कि किसी भी साजिश नहीं इसमें वो देखते हैं। और यहाँ पर अभी कपिल मिश्रा आप देख सकते हैं यहाँ खुद यहाँ पर जो हम इन पर हमले की कोशिश की गई थी उसके बाद यहाँ पर लेटे हुए हैं। दोबारा से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कपिल एक बार तफसील से बता सकते हैं कि हुआ क्या था और क्या हुआ था उस टाइम? सर ये शख्स अचानक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया, तेजी से चिल्लाया कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और कूदा मेरे ऊपर, उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा लेकिन तब तक बाकी साथी उसे पकड़ के ले गए। उसने किस तरह की चोट पहुंचाने की कोशिश की आपको? पता नहीं, उसकी नीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, बहुत खराब नीयत लग रही थी। आपको लगता है कि धमकी आपको लगातार मिल रही थी, आपने कहा भी था कि धमकी मिली, उसके बाद ही उसका उसको आगे बढ़ाया गया है, हमला किया गया है, किसी की साजिश? मेरे को लग रहा है कुछ लोग डराना चाहते हैं लेकिन डर का तो अब कोई सवाल ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि किसी बड़े नेता की साजिश हो सकती है इसमें, क्योंकि लगातार आप सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो सवाल के मैंने जवाब मांगे हैं बस उनके जवाब मेरे को चाहिए। ये जवाब सामने आने से कुछ लोगों का नुकसान होना निश्चित है, लेकिन किसी का नाम मैं क्यों लूँ जो मुझे पता ही नहीं? तो यहाँ कैसे पहुँच गया? सुरक्षा में छूट भी मांगते हैं आप? नहीं, सुरक्षा की तो कोई व्यवस्था हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं है, सब साथ के हैं ये लोग, साथ के हैं। बस 5 मिनट में सबको फ्री कर दूंगा। ठीक है, सुरक्षा में चूक हुई है, यहाँ पर सुरक्षा की मांग करते हैं किसी तरह? कोई सुरक्षा की मांग नहीं है, ईश्वर सुरक्षा दे रहा है। तो ये कपिल मिश्रा है जो कि बता रहे थे पूरा वाकया कि आखिर हुआ कैसे और वो बैठे थे किस तरह से उस शख्स ने आकर हमला करने की कोशिश की। फिलहाल इस हमले की कोशिश में कपिल मिश्रा को कुछ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको चोट नहीं लगी है जैसा कि वो कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथी यहाँ पर बैठे हुए थे और जो तमाम यहाँ पर उनके साथ जो लोग थे उनके पास में बैठे हुए थे उन्होंने बचा लिया और उस शख्स को फिलहाल पुलिस ले गई है। अब देखना होगा कि पुलिस की पूछताछ में क्या आता है, लेकिन जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उस शख्स ने खुद का नाम अंकित भारद्वाज बताया, मुंडका का रहने वाला है, और उसने जब हमले का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि वो कपिल मिश्रा की पार्टी विरोधी गतिविधियों से नाराज था। और उससे ये भी पूछा गया कि किसी ने भेजा है तो उसने कहा कि किसी ने नहीं भेजा, वो खुद से जो कपिल मिश्रा और ये विवाद पूरा चल रहा है उससे नाराज था, इस वजह से उसने हमला किया। फिलहाल अब इसमें और तफसील आना बाकी है कि पुलिस की पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन योगेश शर्मा के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली में कपिल मिश्रा पर यह हमला हुआ है, भूख हड़ताल के दौरान उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश अंकित भारद्वाज नाम के एक शख्स ने की, जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हरे रंग की टी शर्ट में इस शख्स को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस उसे यहां से हिरासत में लेके गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला होता है, हिरासत में ले लिया गया है आरोपी को, और आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं कपिल मिश्रा के उन सभी आरोपों पर, जिसको लेकर कपिल मिश्रा जवाब तलाशने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, आपकी एक संक्षेप में प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, निश्चित रूप से हमला प्रजातंत्र का कहीं भी स्थान नहीं रखता, हमला का हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, वो एक्यूजिंग एब्यूजिंग मैडनेस पार्टी है और हम सिर्फ 3 साल से एक मेलोड्रामा देख रहे हैं जब से उसका गठन हुआ है। मैं केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहूंगा, आप तो राष्ट्रीय ध्वज का बड़ा सम्मान करते थे, झंडे को लेकर के आंदोलन किया करते थे, वंदे मातरम बोलते थे, भारत माता की जय बोलते थे, अब जब भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लग गए हैं, ना तो आप झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, ना वंदे मातरम बोल रहे हैं, ना भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो ये मुंबई या फिल्म की तरह से आम आदमी पार्टी की नौटंकियां चल रही हैं। दिल्ली को क्या विकास मिला, दिल्ली क्या बेहतर हुई, लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए। दिल्ली के लोग क्या इस वक्त ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे होंगे? दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है, एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की तब जबकि वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।